नमस्ते इंडिया, स्वागत है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में हमारे YouTube चैनल लैंड इन्वेस्टमेंट पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको विश करना चाहता हूँ, विश यू वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली। आप अपना जो नेक्स्ट होली का फेस्टिवल है, हमारी यही विश है हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से कि आप अपना नेक्स्ट जो होली फेस्टिवल है वो अपने खुद के नए घर में सेलिब्रेट करें। तो दोस्तों, आज जिस सोसाइटी के मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ वो नोएडा एक्सटेंशन की बहुत ही रेप्यूटेड सोसाइटी है, बहुत ही एक अच्छी प्रोमिनेंट लोकेशन पे है, टैक्स जोन 4 की लोकेशन है। टैक्स जोन 4 की लोकेशन में हमने और भी काफ़ी सोसाइटीज़ का प्रॉपर रिव्यू और प्रॉपर ब्रीफ डिटेल वीडियोस में बनाई हुई हैं, वो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं जिस सोसाइटी में खड़ा हूँ ये सोसाइटी है ओमकार रॉयल नेस्ट। रॉयल नेस्ट जो सोसाइटी दोस्तों, ये टैक्स जोन 4 की सोसाइटी है, ऑन 130 मीटर वाइड रोड पे है। जो प्रपोज मेट्रो स्टेशन है वो विद इन 500 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ से, जो एक मूर्ति पे आपका मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2 BHK एंड 3 BHK का एक एक्चुअल फ्लैट जो आपका सेल के लिए अवेलेबल है। तो ये वीडियो हमारी लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंदर जो पूरी सोसाइटी की ब्रीफिंग है, एक्चुअल फ्लैट्स की ब्रीफिंग है, आपका प्राइसेस है, वो मैं आपको सारा इस वीडियो के अंदर बताता रहूंगा। तो प्लीज हमारी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, जिस सोसाइटी में मैं भी हूँ ये सोसाइटी है रॉयल नेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया टैक्स जोन 4 की सोसाइटी है। ये सोसाइटी है दोस्तों 6 एकड़ की, जिसके अंदर रहने वाले हैं टोटल 8 टावर्स। सारे 8 टावर जितने भी टावर है सब रेडी टू मूव इन कंडीशन में है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है बिल्डर की, वो आपको वीडियो के ग्लिम्स में मिल जाएगा। और जब आप विजिट करेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं लगेगी। यहाँ पर वेल मेंटेन सोसाइटी है, आपका ओपन ग्रीन एरिया काफी अच्छा है। जो एमिनिटीज की अगर मैं बात करता हूँ, एमिनिटीज के अंदर आपका क्रिकेट पिच प्रॉपर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्विमिंग पूल है, सेपरेट किड्स पूल है, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, आपका ओपन एम्फी थिएटर, क्लब के अंदर जो भी इंडोर गेम्स रहते हैं वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर डेफिनेटली रहने वाली, वो आपको ग्लिम्स में देखने के लिए मिल जाएगी। इस सोसाइटी के बारे में आपको बता रहा था, 6 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 8 टावर्स हैं, सारे टावर रेडी टू मूव इन है। लगभग समवेयर अराउंड यहाँ पे 990 फ्लैट है, जो कि 2 BHK, 2+ study, 3 BHK एंड 4 BHK के अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 BHK 985 square feet और 3 BHK 1600 square feet। तो अब मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ, जो मैं आपको 2 BHK का फ्लैट दिखाने आया हूँ 985 square feet में, वो फ्लैट मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूँ और फ्लैट पर ही आपको सारी फ्लैट की ब्रीफ डिटेल बता दूंगा। तो चलिए मैं आपको विजिट कराता हूँ एक्चुअल फ्लैट, आ जाइए। तो दोस्तों, मैं आपको ले आया हूं, ये 2 BHK का साइज है, रॉयल नेस्ट का साइज है ये 985 square feet। अभी मैं आपको जो फ्लोर दिखा रहा हूँ ये एक्चुअल फ्लैट अवेलेबल है सेल के लिए। 17 फ्लोर पे मैं अभी हूँ और ये हमारा टॉप फ्लोर है। और ये 985 square feet के साइज में आपको क्या क्या मिल जाता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये एंट्रेंस के साथ पूरा आपको लिविंग रूम मिल जाता है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा लिविंग रूम है। जिसको भी लेआउट चाहिए होगा व्हाट्सएप पे रॉयल नेस्ट लिख के भेज दीजिएगा, वो आपको मैं लेआउट इसका प्रॉपर सेंड कर दूंगा। और ये लिविंग में आपका लिविंग एरिया कम डाइनिंग एरिया, तो डाइनिंग एरिया भी काफी अच्छा है जो कि, और विड्थ आप देखेंगे काफी अच्छी लिविंग एरिया की, 1, 2, 3, 4, 5 10.5 की इसकी ये विड्थ है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तकरीबन 16.5 by 10.5 का लिविंग रूम है। देन इसके साथ एक किचन का प्रोविजन इस तरफ आया था, किचन जो है आपका इस तरफ दिया गया है लिविंग रूम से राइट हैंड साइड में, जिसमें आपको मिलेगी प्रॉपर एल शेप का पैरेलल स्लैब और ये पूरी आपकी यूटिलिटी के लिए बालकनी हो जाती है किचन के साथ, जिसमें आपको टैप का पॉइंट, इलेक्ट्रिक पॉइंट अलग से मिलता है। तो लेआउट काफी अच्छा है। अब मैं आपको इसका ये दिखा देता हूँ, ये कॉमन टॉयलेट है इसका, जो कि आपका लिविंग रूम के साथ भी अटैच है, आप इसको कॉमन प्रॉपर कह सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है, अगर आप किसी भी लेआउट में देखेंगे वॉशरूम के साइजेस, बालकनी के साइजेस आपको अच्छे मिलेंगे। अब आप इस तरफ आएंगे तो ये इसका मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम का साइज आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तकरीबन 12 और 1, 2, 3, 4, 5 12 by 10 का ये भी रूम है, तो काफी अच्छा स्पेस है। साथ के में आपको एक वार्डरोब का स्पेस भी मिल जाता है और ये आपका एक इसमें बालकनी आपकी पूरी एडिशनल हो जाती है, जो कि मास्टर बेडरूम के साथ काफी बड़ी बालकनी है। अगर आप देखेंगे बालकनी की लेंथ आप देखिए और विड्थ देखिए, काफी अच्छा। और जो अपार्टमेंट है वो प्रॉपर आपका पार्क एंड पूल फेसिंग रहने वाला है, तो वो आपको सारा ग्लिम्स इसमें वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको दिख रही होगी काफी अच्छी है। ये 2 BHK 2 टॉयलेट का साइज है, मास्टर बेडरूम के साथ ये अटैच टॉयलेट इसमें अलग से है। एक इसमें अभी रूम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो इसमें लास्ट टीनेंट रहते थे उनका कुछ अभी सामान उसमें है, तो वो अगर आपको प्रॉपर सब कुछ सही लगता है, सोसाइटी लेआउट लेआउट आपको चाहिए होगा, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, तो वो हम आपकी इसकी प्रॉपर वीडियो आपको अलग से भी सेंड कर देंगे, उसकी आप दिक्कत मत लीजिएगा। 17 फ्लोर पे ये अपार्टमेंट है और टॉप फ्लोर का अपार्टमेंट है।
61 लाख इसकी ऑनर की आस्किंग है जो कि नेगोशिएबल है, रजिस्टर्ड फ्लैट है, किसी भी बैंक से आप इजीली लोन ले सकते हैं, वो किसी तरीके की दिक्कत नहीं रहने वाली है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस सोसाइटी का, जो मैं आपको 3 BHK का साइज दिखाना है वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का साइज है, 1600 स्क्वायर फीट का, चलिए वो भी मैं आपको विजिट करा देता हूँ, आ जाइए। तो दोस्तों मैं आपको अब लेकर आया हूँ 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस स्टोर के साइज में, बहुत ही प्यारा अपार्टमेंट है दोस्तों, बहुत ही ग्रैंड लेआउट रहने वाला है। जिन लोगों को लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम स्पेशियस चाहिए उनके लिए लेआउट प्रॉपर रहने वाला है। अब आप ये देखिए, मैं यहीं से शुरू करता हूँ, फ्लैट के एंट्रेंस के साथ ये पूरा आपका लिविंग पोर्शन आया था, यानी डाइनिंग एरिया, किचन वगैरह सब कुछ अलग है। ये पूरा आप देख सकते हैं लिविंग स्पेस है, कितना इसका विड्थ आप देखिए और लेंथ आप देखिए, कितना अच्छी लिविंग रूम रहने वाला है। लिविंग रूम के साथ आपको एक मिलती है सेपरेट बालकनी जो कि किचन के साथ भी अटैच है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये 3 BHK 3 टॉयलेट का साइज है, 1600 स्क्वायर फीट, इसमें एक स्टोर रूम भी अलग से है। अब आप जैसे लिविंग रूम क्रॉस करके इस तरफ आएंगे तो ये आपको मिलेगा प्रॉपर डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया काफी अच्छा रहने वाला है और आप देखेंगे कितना अच्छा स्पेस है, प्रॉपर एक बड़ी डाइनिंग एरिया का भी, बड़ी डाइनिंग टेबल भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाता है किचन, सारा फ्लैट के अंदर वुडवर्क का सारा कंप्लीट काम हुआ हुआ है, आपको कुछ भी फ्लैट में काम कराने की जरूरत नहीं है। अपर वुडन वर्क, आपका काउंटर से ऊपर काउंटर से नीचे सारा वुडवर्क हुआ हुआ है। थोड़ा सा फ्लैट अभी नीट एंड क्लीन नहीं है, टीनेंट अभी गए हैं तो वो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, चिमनी भी लगी हुई है ऑलरेडी। आप ये देखेंगे कितनी अच्छी चीज है कि वेट एरिया प्रॉपर अलग है और ये आपका कुकिंग एरिया पूरा सेपरेट हो जाता है, तो इससे काफी हेल्प हो जाती है लेडीज को कि भाई वेट एरिया सेपरेट है तो वो कोई दिक्कत आती नहीं। और किचन के साथ एक बैल्कनी अलग मिल जाती है फॉर यूटिलिटी पर्पज के लिए, वॉशिंग मशीन वगैरह आपने रखनी हो वो सारा इजीली हो जाता है। तो ये देखिए लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया कितना अच्छा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक प्रोविजन मिल जाता है स्टोर स्पेस का, आप देखेंगे कितना अच्छा स्टोर इसमें ऑलरेडी बनाया गया है, मल्टीपर्पज आप यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर पूजा भी बना लेते हैं तो वो आपको ग्लिम्स में दिख जाएगा। और लिविंग एरिया के साथ भी आपको एक कॉमन टॉयलेट मिलता है, जो अगर आप ये बेडरूम देखे दोस्तों कितना स्पेशियस ये रूम है, 1 2 3 4 5 6 12 1 2 3 4 5 12 बाई 11.5 का ये प्रॉपर रूम है। और इधर से भी आपकी सेपरेट ये एंट्री है वॉशरूम के लिए, तो वो पूरा वॉशरूम के लिए एंट्री आती है। और अब आप वार्डरोब का स्पेस देखें कितना अच्छा और कितना बड़ा वार्डरोब का स्पेस है, तो वो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इस रूम के साथ भी आपको एक बैल्कनी मिल जाती है, तरीके का लेआउट प्लान रहने वाला है, क्या इस फ्लैट की फेसिंग है और क्या इस अपार्टमेंट की USP है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप फ्लोर प्लान देख लीजिए। अब एक रूम आपका ये आ जाता है इस तरफ, जब आप आएंगे इसमें आपको सेपरेट अटैच टॉयलेट अलग से मिल जाता है। रूम का साइज भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 तकरीबन 10.5 और 1 2 3 4 5 यानी तकरीबन 11.5 बाई 10.5 का ये साइज है। और LED पैनल वगैरह सारा इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, वो आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। वुडन वर्क आप देखेंगे प्रॉपर बना हुआ है। और इसके साथ एक बालकनी भी है जो दूसरे मास्टर बेडरूम के साथ भी कॉमन है। वो मैं इस तरफ आएंगे तो ये आपको मिलता है दोस्तों प्रॉपर मास्टर बेडरूम, काफी ग्रैंड रूम आपको मिल जाता है। मास्टर बेडरूम में भी आपको कुछ भी काम कराने की जरूरत नहीं है, LED पैनल ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, अलमीरा ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, वो कोई आपकी दिक्कत नहीं है। और सेपरेट एक एडिशनल ओनर ने ये अलमीरा भी बनाई हुई है जो कि काफी अच्छी चीज है कि वो स्पेस की तो आपको कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है। और मास्टर बेडरूम का भी आप वॉशरूम देखें कितना स्पेशियस है, ये चीज अच्छी है रॉयल नेस्ट में, चाहे आप 2 BHK में जाए, 2 प्लस स्टडी में जाए या 3 BHK में जाए या 4 BHK में, वॉशरूम के साइजेस और आपके रूम साइजेस और लिविंग रूम ये सब कुछ आपको अच्छा स्पेशियस मिलेगा। अब जो सबसे मेन USP है इस लेआउट का वो आप ये देखिए, इसमें जो आपको मिलती है पूरी रनिंग बैल्कनी आपकी, अभी मैं आपको बिल्कुल लास्ट में खड़ा होकर दिखाऊंगा, ये मैं बिल्कुल एक कोने पे खड़ा हूँ, मैं कैमरामैन से बोलूंगा बिल्कुल आप पीछे जाएं और 0.5 में दिखाएं कितनी बड़ी बैल्कनी ये ऑलरेडी रहने वाली है। अब आप बैल्कनी की लेंथ देख रहे होंगे कितना लंबा ये लेंथ है, रनिंग बैल्कनी आराम से 10 से 12 लोग भी इजिली यहाँ पर बैठ सकते हैं। और सबसे मेन चीज जो मैं आपको बता रहा था इस सेक्टर के बारे में कि अपोजिट में पूरी ग्रीन बेल्ट रहने वाली है, तो वो कभी भी यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, हमेशा ग्रीन रहेगा। मेन 130 मीटर ये वाइड रोड है जो कि आपका एक मूर्ति से इधर ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहा है, मेन रोड फेसिंग फ्लैट है। हमने और भी काफी मेन रोड फेसिंग यूनिट
चैनल पे अपनी वीडियोस बनाई भी हैं, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्रॉपर सामने ईस्ट है तो वो कोई दिक्कत आती नहीं, आपको सनलाइट प्रॉपर मिलती है काफी अच्छी, और रोड व्यू रहने वाला है। वो ही सेक्टर टैक्स जोन 4 की खास बात है कि आपको ग्रीन बेल्ट के साथ मेन रोड का व्यू मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो लेआउट है मैं आपको बता देता हूँ, 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस स्टोर स्पेस इस लेआउट में रहने वाला है, और ये अप्रोक्सीमेटली 5th फ्लोर पे ये इन्वेंट्री है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, और ओनर की आस्किंग है 1,15,00,000 रुपए की, जो कि जेन्युइन रेट है मार्केट का। आप भी जानते हैं 1,600 स्क्वायर फीट इस प्राइस में कहीं पर मिलेगा नहीं। नेगोशिएशन की रही बात, बहुत मेजर नेगोशिएशन नहीं है वो, आप ऑन टेबल जब भी आएंगे तो आमने सामने वो चीजें जो भी होंगी वो रहेंगी, लेकिन इतनी ज्यादा उम्मीद और होप आप मत रखिएगा, क्योंकि इस प्राइस में नोएडा एक्सटेंशन में रजिस्टर्ड फ्लैट, रेडी टू मूव इन फ्लैट, टैक्स जोन 4 के अंदर इस तरीके का व्यू, मेन रोड का व्यू, ग्रीन बेल्ट फेसिंग का व्यू, और एक बहुत रेप्यूटेड सोसाइटी में, यानी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्डर की अम्यूनिटीज सारी बहुत अच्छी है, वो आपने वीडियो में देखा होगा। तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, विजिट का प्लान कर लीजिए और आ जाइए इस फ्लैट को विजिट करने, और जिस तरीके से मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है जल्दी से इस यूनिट को आप फाइनल कर लीजिए। दोस्तों ये थे 2 BHK एंड 3 BHK साइजेस जो मैंने आपको दिखाए। एक बार मैं आपको साइज के बारे में बता देता हूँ, 2 BHK 985 का साइज मैंने आपको बताया, और 17th फ्लोर पे एक्चुअल फ्लैट दिखाया जो कि टॉप फ्लोर है, 61 लाख की ओनर की आस्किंग है जो कि नेगोशिएबल है। दूसरा मैंने आपको साइज दिखाया 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस में आपका पूजा और स्टोर स्पेस, ये आपका रोड फेसिंग फ्लैट है, मेन रोड फेसिंग यूनिट है ये फ्लैट। ये वाली जो यूनिट है 3 BHK वाली, ये बैक टू बैक 2 कार पार्किंग के साथ है, रजिस्टर्ड फ्लैट है, वुडवर्क सारा हुआ हुआ है, और आज की ओनर की आस्किंग है 1,15,00,000, वो भी थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा। तो अगर आपको इस प्रॉपर्टी और इस फ्लैट्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में कोई और भी फर्दर क्वेरी करनी है, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको विजिट करा देता हूँ इस सोसाइटी का क्लब, और जो यहाँ का कमर्शियल है क्लब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, और काफ़ी जितनी भी मेजर फैसिलिटीज़ होती है, इंडोर गेम्स हो गए आपके सारे, जिम की फैसिलिटी और पार्टी हॉल, वो सब कुछ आपको क्लब में मिल जाता है। इस सोसाइटी के कमर्शियल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी ब्रांच है, इंडसइंड बैंक की ब्रांच है, और उसके जो भी सोसाइटी के जो शॉप्स हैं, डेली नीड्स की चीज़ें हैं, डेली एसेंशियल्स की चीज़ें, वो इस वीडियो में आपको ग्लिम्स में देखने के लिए मिल जाएगी। जो यहाँ का टेंपल है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। अब मैं आपको इस वाले शॉर्ट के अंदर, इस वाले ग्लिम्स में क्लब की सारी मेजर एमिनिटीज़ दिखा देता हूँ। तो चलिए आप विजिट कर लीजिए पहले क्लब, आ जाइए। तो दोस्तों ये थी ब्रीफ डिटेल जो मैंने आपको रॉयल नेस्ट सोसाइटी के बारे में दी। आपको एक छोटा सा मैं एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ पूरी सोसाइटी का। ये टैक्स जोन 4 की सोसाइटी है, 2, 3 BHK एंड 4 BHK रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, रेडी टू मूव इन सोसाइटी है, 6 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 8 टावर्स हैं जो कि रेडी टू मूव इन कंडीशन में है, और रजिस्टर्ड फ्लैट हैं सारे, यानी सब जगह रजिस्ट्री वगैरह सारी कुछ हो चुकी है। एक 2 BHK 3 BHK हमने आपको दिखाया है इस सोसाइटी के अंदर, पूरा जो ब्रीफ एमिनिटीज हैं सारी सोसाइटीज की वो हमने आपको इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं, जैसे हमने आपको पूरी सोसाइटी की ब्रीफिंग दी है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप कोई भी बायर हैं इस तरीके की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, कॉल करके विजिट का प्लान कर लिए। साथ के साथ अगर आप सेलर हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं इस सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में एक्सटेंशन की, तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मैं मिलता रहूँ आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। दोस्तों नोएडा एक हमारी बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें,
और जितनी भी ग्रीनरी है उसका ध्यान रखें। ग्रीन नोएडा, क्लीन नोएडा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।